क्या हाल है दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूट्यूबर्स के स्कैम के बारे में, या ये कहो कि किस तरह से ये आपको बेवकूफ बनाते हैं। जो मार्केटिंग का काला धंधा चल रहा है उसके बारे में बताऊंगा, और तो और एक ऐसा बड़ा नाम लूंगा जिसको सुनने के बाद आप या तो मुझे गालियां दोगे या फिर प्रूफ मांगोगे। प्रूफ मांगोगे तो आने वाले टाइम में प्रूफ भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम करते हैं स्टार्ट। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी यूट्यूबर अगली बार कुछ भी बेचेगा तो आपको पता लग जाएगा कि वो बेवकूफ बना रहा है या जेन्युइन आपको कुछ बेच रहा है, और इस चीज का नुकसान बहुत बड़ा होता है अगर आपको ये चीज नहीं पता होगी कि ये चीजें किस तरह से काम करती हैं। देखो, एक ढंग का यूट्यूबर है ना, वो क्या करेगा, वो विन विन सिचुएशन क्रिएट करेगा। विन विन सिचुएशन कैसे, पहले वो मतलब अगर किसी कंपनी से पैसे ले रहा है तो उस कंपनी का फायदा होगा तो उससे पैसे ले लेगा, और वो एक वीडियो बना देगा जिससे कंपनी का फायदा हो गया और कंपनी जीत गई मतलब कंपनी का फायदा हो गया, ठीक है। उसके बाद उसने खुद पैसे लिए तो उसने वीडियो बनाई तो उसको भी फायदा हो गया, उसके भी आगे आपके नाम के आगे विन लगा दो। अब लास्ट में आते हो आप, ठीक है, अब लास्ट में आप आते हो तो आपको अगर वो प्रोडक्ट लेने से फायदा हो रहा है या वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आपके आगे भी विन लगे। तीनों के सिचुएशन विन विन वाली सिचुएशन होगी। एक ढंग का यूट्यूबर होगा वो इसी तरह से काम करेगा, लेकिन वो सबसे पहले देखेगा सब्सक्राइबर्स को, फिर अपने आप को, फिर कंपनी को देखेगा, ठीक है भाई, प्रोडक्ट को भाई देखेगा कि हाँ कि प्रोडक्ट अच्छा है नहीं। दूसरे नंबर पे कुछ यूट्यूबर्स ऐसे आते हैं जो सबसे पहले देखेंगे कि खुद का फायदा हो जाए, फिर कंपनी का फायदा भी हो जाए, और सब्सक्राइबर तो छोड़ ही दो उस चीज की बात है। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि यूट्यूबर्स किन, देखो सारे यूट्यूबर्स ऐसे नहीं होते, तो इसको पहचानने का तरीका क्या है, बहुत आसान से सवाल आप अपने आप से पूछ सकते हैं उस वीडियो को देखने के बाद, और आपको पता लग जाएगा कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो देखो, जब भी कोई यूट्यूबर आपको प्रोडक्ट बेचता है ना, तो उसके कुछ तीन रीजन होते हैं, ठीक है। पहला रीजन ये कि वो चीज मार्केट में बेस्ट है। मान लो मैं आपको कहता हूं कि आईफोन ले लो आप, ठीक है, तो मुझे पता है कि आईफोन के रिव्यू अच्छे हैं, उसकी मतलब मार्केट में इमेज बहुत अच्छी है, और फोन के रिव्यू भी देख लिए मैंने, मुझे पता है कि फोन बहुत अच्छा है और कंपनी का नाम है हमेशा से, ठीक है। तो मैं कह दूंगा कि आपको आईफोन ले लो, तो आप, मैंने क्यों बेचा, क्योंकि वो मतलब वो बेस्ट है एक तरह से अपनी मार्केट में। और दूसरे नंबर पे क्यों कोई चीज बेचता है, दूसरे नंबर पे देखो, अगर मैं कोई चीज आपको बेच रहा हूँ तो इस कारण ये है कि मैं उस खुद चीज को यूज कर रहा हूँ। अभी देखो आईफोन मान लो मैं यूज नहीं कर रहा, मैं अब कोई भी फोन यूज कर रहा हूँ, तो मान लो मैं MI Note 8 यूज कर रहा हूँ, तो मैं आपको कहूंगा कि भाई आप MI Note 8 ले लो, ठीक है, क्योंकि वो मैं खुद यूज कर रहा हूँ, मैंने अपना विश्वास उस चीज में लगा रखा है, तो आप अपना भी लगा सकते हो, आप मुझ पे विश्वास कर सकते हो क्योंकि मैंने भी उस चीज पे पैसे खर्च कर रखे हैं, ठीक है। यहाँ दो सिचुएशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, या तो वो मार्केट लीडर हो या वो यूट्यूबर खुद उस चीज को यूज कर रहा हो। थर्ड नंबर पे आ जाती है स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप यानी कि मैंने किसी कंपनी से पैसा लिया और आपके लिए वीडियो बना दी, मतलब कि ये देख लो कि ये चीज है, आप इस तरह से इस चीज को खरीद सकते हो। अब यहाँ पे भी देखो प्रॉब्लम नहीं है, प्रोडक्ट कैसा भी हो हम उस चीज को बाद में देखेंगे। एक YouTube ऑप्शन देता है जिसकी वजह से नीचे लिखा आता है इंक्लूडेड पेड प्रमोशन, ठीक है, आप वो लगा सकते हो जिससे पता लग जाएगा कि ये वीडियो इसने स्पॉन्सरशिप लेके बना रखी है, तो इस वीडियो पे विश्वास करने से पहले आप प्रोडक्ट को अच्छे से देख लोगे, दो चार जगह और रिव्यू देख लोगे, आप मेरे विश्वास पे नहीं लोगे क्योंकि मैंने डाल दिया भाई इंक्लूड पेड प्रमोशन, ठीक है, आप देख सकते हो। ये उन यूट्यूबर्स की जो गलत प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लेकिन कम से कम आपको ये बता के कि पेड प्रमोशन कर रहा हूं भाई मैं, ठीक है। दूसरा कि हम अच्छी चीज बेच रहे हैं, उसका तो कोई वो ही नहीं है कि अगर हम अच्छी चीज किसी से पैसे लेके बेच रहे हैं तो वहां तो फिर तीनों जगह विन विन लग ही गया, ठीक है। अब सबसे अनएथिकल वो लोग आते हैं जो आपको ये भी नहीं बताएंगे कि वो पेड प्रमोशन है, और वो पैसे भी खुद अच्छे खासे खा लेंगे, प्रोडक्ट बेशक घटिया से घटिया क्यों ना हो। और आप कहोगे कि यार ऐसे कौन से यूट्यूबर्स होते हैं, बहुत कम लोग करते होंगे, हमें क्या, लेकिन ये आप जो फोटो देख, लेकिन डॉक्टर विवेक बिंद्रा, ये आपने नाम चैनल सुना होगा, तो इस चैनल पे भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं, मैं आपको आने वाले टाइम में प्रूफ भी दूंगा, यहाँ पे बहुत सारे आपको ऐसे एग्जांपल मिल जाएंगे जहां पे फेक केस स्टडी की गई, और कुछ तो सिर्फ केस स्टडी इसलिए की गई ताकि उसकी इमेज सुधार दी जाए, उसके पास कस्टमर ज्यादा भेज दिए जाए, ठीक है, वो मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा, प्रूफ दूंगा। और अभी के लिए भूल जाओ, बेशक अभी के लिए भूल जाओ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मुझे इतना बता दो कि आप कौन से यूट्यूबर्स को देखते हो। तो मेरे को अगर कोई ऐसा नाम, क्योंकि मेरे को अगर कोई ऐसा नाम दिखेगा ना जो बहुत फिशी सा होगा कि मुझे पता है कि यार ये बंदा गारंटी करता है, तो मैं आपको कम से कम वार्न कर दूंगा। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन सा है, और अगर आप प्रूफ मांगना चाहते हैं, प्रूफ लेना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाली वीडियोस में आपको प्रूफ भी मिल जाएगा, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी मार्केटिंग देख के ना, मतलब कि हाँ वो कुछ बेच रहा है, हम यूट्यूबर से प्यार करते हैं, हमारा फेवरेट होता है, तो हम कुछ भी ले लेते हैं, बेशक उसके बाद उस पैसे
मतलब उसके बाद वो चीज खराब ही क्यों ना हो जाए, ठीक है ना। तो अपना पैसा बर्बाद मत करो, क्योंकि उनकी जेब तो भर गई, कंपनी की जेब भी भर गई, बेवकूफ तो आप बन गए ना, तो इतने बेवकूफ मत बनो यार। तो सबसे ज्यादा जरूरत आपको है समझने की, कोई भी चीज अगर कोई आपको रिकमेंड कर रहा है, स्पेशली यूट्यूबर, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से देख लो। अगर बाहर अगर मार्केट में कोई कर रहा है ना, आपको कोई आपको बंदा मिल गया तो वो कह रहा है यार ये ले ले, तो वहां पे 99% चांसेस है कि वो किसी रीजन से कह रहा होगा, उसका कुछ खुद का तो फायदा होगा नहीं अगर कोई दोस्त यार आपको मिल गया। लेकिन यूट्यूब पे अगर आपको कोई कुछ बेच रहा है ना, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उसने स्पॉन्सरशिप ले रखी होगी, वो बताएगा भी नहीं और वहां पे आपका नुकसान हो जाएगा। तो दोबारा ये कहूंगा कि अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में।